Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। परंतु वो लोग नहीं गए, आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों, मैं बताता हूँ, वो अपनी वोट बैंक से डरते है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना वोट बैंक के डर से, राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? दीदी यहाँ 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूँ, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहाँ रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत। भाई और बहनों, ये इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का इंडस्ट्री। ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों 30 करोड़ रुपए, मुझे बताओ जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है। मित्रों कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों, मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है, इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं।